क्योंकि समस्या ये खड़ी हो गई ना कि ये 21वीं सदी का क्या धर्म है, इसी पर बोलना है आज तो बोल रहे हैं। कितने हाथ लेकर के आए हमारे प्रभु श्री राम? चार हाथ लेकर के आए। तुम लोग कितने हाथ लेके आते हो? दो। आज तक की तारीख में कोई चार हाथ लेके आया प्रभु के अलावा? बोलो, तुम लोगों में से कोई नहीं आया। लेकिन हमारा परमात्मा चार हाथ लेके आया, और वर्ण कितने हैं? साढ़े तीन कौन कह रहा है? अच्छा, चार, चार वर्ण हैं। और परमात्मा के हाथ कितने हैं? चार हैं। अच्छा, आप विचारवान श्रोता हो, ओ भगवती दुर्गा कितने हाथ लेके आई? आठ। तो हमारी जगत माता आठ हाथ लेके आई, और जगत पिता कितने हाथ लेके आए? चार लेके आए। अच्छा विचार करना, पिता जब भी पुत्र को संभालता है तब एक हाथ से संभालता है, संभालता कि नहीं संभालता? पिता जब भी पुत्र को संभालता है तब एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ की उंगली पकड़वा करके वह चलाता है, चलाता कि नहीं? और मां जब भी संभालती है अपने बेटे को तो कितने हाथ से संभालती? दो हाथों से। क्यों, दोनों हाथों से संभालती कि नहीं संभालती? समझ में आया? करे तो ऐसे किया करो, नहीं ऐसे कर दिया क्या, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पंचायती राज है ना। लेकिन यह सत्य है कि मां जब भी अपने बेटे को संभालती है तब दोनों हाथों से संभालती है, और पिता जब भी अपने पुत्र को संभालता है तो एक हाथ बढ़ाता है, उंगली पकड़ाता है और चलाने लगता है। परम पिता चार हाथ लेकर के आया और जगत माता आठ हाथ लेकर के आई। देखिए, हमारे यहां वर्ण चार हैं, बोलो, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परम पिता परमात्मा ने चारों हाथों से एक एक वर्ण को संभाला है, उसने कभी भेद नहीं रखा है, उसने तो प्रेम से इन चारों को संभाला है, चारों भुजाओं से। लेकिन अष्टभुजा माता ने क्या किया? क्योंकि मां दोनों हाथों से संभालती है इसलिए वर्ण चार हैं, और हमारी जगत माता के भुजाएं आठ हैं। दो भुजा उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया है, दो भुजा क्षत्रिय को दे दिया है, और दो भुजा वैश्य को दे दिया है, और दो भुजा शूद्र को दे दिया है। बंटवारे में भी अंतर नहीं किया है, इसलिए समान रूप से बंटवारा किया, भेद तो नहीं रखा। हमारा परमात्मा जब आया तो उसने भी भेद को समाप्त कर दिया। कैसे? एक बड़ी सुंदर चर्चा मैं आपको सुनाऊं। भगवान ने समरसता का संदेश दिया। कैसे दिया? कह छोटों की छुटाई दूर करी और बड़ों की बड़ाई दूर करी। ये किसने किया? भगवान ने, भगवान श्री राम ने। छोटों की छुटाई दूर करी, बड़ों की बड़ाई दूर करी। बड़ों का बड़प्पन भगवान ने आकर के मिटाया और छोटों का छुटपन मिटाया। बोलो, 21वीं सदी का यही संदेश है कि नहीं? समानता होना चाहिए कि नहीं? तो छोटों का छुटपन दूर हो, बड़ों का बड़प्पन दूर हो। लेकिन आप कहोगे प्रमाण दो कि कहां छोटों का छुटपन दूर किया, बड़ों का बड़प्पन कहां दूर किया? आप जानते हो सबसे बड़ा अपने को कौन मानता है? जो पूंजीवादी होता है वो सबसे बड़ा मानता है। और आप जानते हो जिससे टाटा, बिरला, डालमिया, पदमपत, सिंघानिया, अंधीरू भाई अंबानिया, ये सब मांगते हैं। जब लक्ष्मी पूजन होता है तो ईमानदारी के साथ बताओ, लक्ष्मी पूजन के दिन सब कुबेर का स्मरण करते हैं कि नहीं? इंद्र का स्मरण करते, कुबेर का स्मरण करते हैं ना? कुबेराय नमः बहुत लोग लिखते हैं पूजन में, आप लोग लिखते हो? हाँ, ऐसे कर दिया, उसकी तो जरूरत ही है, लिखो ही करोगे उसके लिए, हैं? कुबेर का नाम तो लिखते हो आप लक्ष्मी पूजन में। बाबा कल्याण दास जी का लिखते हैं कि आपको आशीर्वाद देकर के धनपति बना रहे हैं? आशीर्वाद से बन रहे हो तुम कि कुबेर के देने से बन रहे हो? हमारे सत प्रज्ञानंद जी महाराज जो है समाज कल्याण में लगे हैं, जितने भी संत आए हैं सब समाज कल्याण में लगे हैं, आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। लेकिन तुम संतों का नाम नहीं लेना चाहते हो, कुबेर का तो मजबूरी में लेते हो कि वो हमें दे, जो देने वाला है उसका नाम तो तुम लोग ही लो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुबेर, इंद्र, ये अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, बड़प्पनधारी हैं, लेकिन भगवान ने इनके बड़प्पन को दो सेकंड में मिटा दिया। आप कहो कैसे?
जिस समय भगवान श्री राम लंका के सम्रांगण में युद्ध के प्रांगण में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, तो किससे युद्ध कर रहे हैं भगवान? रावण से। रावण सामने खड़ा है युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा जब तेरी इच्छा है युद्ध की तो मेरी भी इच्छा है, मैं क्या करूं, जब तू लड़ने के लिए बैठा है तो लड़। जैसे ही वो युद्ध मैदान में रावण आ गया, इधर भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, विभीषण जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, तो भगवान राम ने कहा भ्रातृत्व मोह जागृत हो गया क्या? क्योंकि तू समझ रहा है कि शायद आज मैं अपने बाण से तेरे भाई रावण का वध कर दूं, तो इसलिए तेरी आंखों में आंसू है? विभीषण ने कहा नहीं महाराज, हमारी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि आज मेरा भाई आपके बाण से मारा जाएगा, आज मेरी आंखों में इसलिए आंसू है क्योंकि रावण रथी विरथ रघुवीरा तो देख विभीषण भये अधीरा। महाराज आज रावण सोने के रथ पर बैठ करके आपसे युद्ध कर रहा है, और आज आप रथ की बात छोड़िए, पैरों में पदत्राण नहीं है और सिर पर छाया नहीं है, और आप बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। भगवान ने कहा तो नहीं है रथ तो मैं क्या करूं, जब नहीं है तो जैसा है व्यवस्था वैसा ही करूं, नहीं है तो मैं क्या करूं? कहे महाराज भगवान ने धर्म रथ पर बैठकर के युद्ध किया, उसकी चर्चा बहुत लंबी है, जब मैं धर्म रथ का वर्णन करता हूं तो उसमें बहुत समय लगता है, और समय है नहीं तो कहां से समय ला दूं जब है ही नहीं। जो चीज समाप्त हो गई वो हो गई, इसलिए समय तो समाप्त हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हम समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की परंपरा 21वीं सदी में भी चल रही है। भाई तो जो परंपरा चलेगी उसको भी थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहा हूं, और कहो तो करूं और नहीं तो अपने आवास पर जाऊं। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो धर्म मंच से मैं आपसे निवेदन करूं, बात बहुत अच्छी है, ये बात आपकी समझ में भी आ रही है कि भगवान बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं। तो कहे महाराज रथ नहीं है, भगवान बोले नहीं है तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? कहे महाराज है आपके पास रथ, लेकिन आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा मतलब क्या है? कहे आप अपने लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने कहा हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं युद्ध, आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? तो भगवान ने युद्ध करने के पहले घोषणा कर दी कि जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर यधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा या मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जाति वाले की पीड़ा नहीं, सज्जन पीड़ा, जाति नहीं कि ब्राह्मण की पीड़ा, क्षत्रिय की पीड़ा, वैश्य की पीड़ा या हरजन की पीड़ा, नहीं सज्जन पीड़ा। तो जाति वाले बनने के पहले तुम सज्जन बनो, क्या बनना है? सज्जन। यदि तुम सज्जन बन जाओगे तो हमारे यहां जाति का महत्व अपने आप समाप्त हो जाएगा, जैसे महात्मा कबीर और महात्मा रैदास, उनकी कृति आज भी अमर है। तो भगवान श्री राम ने कहा नहीं है रथ। विभीषण जी ने कहा कि आप अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप इंद्र की सत्ता को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा मामला जो हुआ है वो इंद्र के द्वारा, इसने आपातकालीन बैठक बुला करके सरस्वती को अयोध्या में भेजा और उसने मंथरा की बुद्धि खराब की, फिर केकई की, वो आपको पनमटवा दिया। ये सब इंद्र की चाल है, इसलिए आप इंद्र के की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए, देवताओं को सुखी बनाने के लिए आप रावण से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए सरकार इंद्र के पास भी रथ नहीं है। इंद्र दो चार रथ भेज सकता है अगर चाहे तो, इसलिए आप इंद्र से कह दो। भगवान ने कहा मैं इंद्र से नहीं कहूंगा। इधर देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप ही के पीछे तो युद्ध कर रहे हैं प्रभु, अगर मूड चेंज हो गया, कहीं लौट गए अयोध्या, तो सारा मामला खटाई में पड़ जाएगा, और रावण फिर छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए एक काम करो दो चार रथ भिजवा दो। इंद्र बोला हमारी भी अपने आप में एक प्रेस्टेज है, भगवान एक शिल्पी भिजवा दे, आदरणीय इंद्र जी एक रथ भेज दीजिए, तो
तो हम एक के बदले चार चार रथ भेज दें, एक ही कौन कहे, चार चार रथ भेज दें या किसी बंदर को पहुंचा दें तो रथ भेज दें। लेकिन समस्या मेरे सामने भी है। अब आपको भगवान मांगना नहीं जानते हैं, लेकिन इंद्र अपने आप को बड़ा मानता है, इसलिए भगवान ने रथ न मांग करके इंद्र के बड़प्पन को समाप्त किया है। वो भगवान मांगना भी जानते हैं, जो सारे संसार को देता है। आज वो मांग रहा है, किससे मांग रहा है, कहे तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी, जो हृदय गाड़े ते प्रभु या सरिता तदवे को मांगत नाव करारे ठाए। भगवान इंद्र से रथ नहीं मांगते हैं, लेकिन एक दीनहीन केवट से भगवान नाव मांगते हैं, भैया मुझे नाव दे दो। तो बोलो, भगवान ने इंद्र के बड़प्पन को समाप्त किया और केवट के छुटपन को समाप्त किया। बस यही 21वीं सदी का संदेश है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने सबके साथ समत्व का व्यवहार किया, हमारे जितने देवी देवता हैं सभी प्राणियों के साथ समत्व का व्यवहार किया है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में मोतियां बिंद आ गया है, तुम अंधे हो गए हो, ना समझो तो उसमें हमारा क्या दोष। इसलिए परिवर्तन करो। आज इस यज्ञ से, इस महाधिवेशन के से आपको यही संदेश मिल रहा है कि अपने जीवन का परिवर्तन करो, अपने आप को परिवर्तित करो। एक छोटी सी बात और सुना दें, इसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। हमारी बहन बेटियों को भी थोड़ा तकलीफ है। क्या तकलीफ है, कि हमारे साथ भी बड़ा अन्याय किया गया ग्रंथों। क्या अन्याय, तो एक चौपाई रख ली है तुलसीकृत रामायण की, बस वही ढोल गमार, इसमें सब आ रहे हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो का ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, दस बजा भी दस दस और बजाएंगे, मतलब दस दस बज के दस और फिर कथा बस दस दस पक्का बिल्कुल। क्योंकि जब सबई अतिक्रमण किए पांच पांच मिनट का, वैसे तो एक बात बताएं, हम तो थक गए बोलते बोलते, एक डेढ़ घंटे दो घंटे दिन में बोलें फिर रात में बोलें, लेकिन अब क्या करें, जब ना बोलें तो तुम बाद में कहोगे बोलना ही नहीं जानते थे सो नहीं बोले, और ज्यादा बोलते हैं तो कहते बंदा ही नहीं करते, बोलते ही जाते। लेकिन दस दस मिनट पांच मिनट और बोलेंगे, सात मिनट बोलेंगे। हाँ, तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि डंडे से पीटना, ताड़यति शिक्षयति पालयति लालयति, पालन करना। अच्छा, ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है, ताड़ना आपके यहां ना होता हो, लेकिन ताड़ना मानी देखने को भी कहते हैं, तो ताड़ना मानी देखना, और ताड़यति शिक्षयति पालयति शिक्षा भी देना, ताड़ना मानी शिक्षा देना। तो शिक्षा अगर किसी को दी जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ ये जीवन का गुण है कि अवगुण, बोलो ये गुण है किसी को शिक्षा देना। अब माताएं बहन बेटियां कहती हैं कि नहीं स्वामी जी, ये तुलसीदास जी ने आक्रोश में लिखी चौपाई, आक्रोश में, ये नारी के प्रति उनका आक्रोश। हमने कहा नारी के प्रति आक्रोश क्यों, कहे कि उस परिस्थिति में लिखी जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उनको डाटा डपटा फटकारा तो बस, और एक लात मारी और तुलसीदास जी भगे, और जैसे ही भगे तो उन्होंने तुरंत नारी का विरोध कर दिया। उस परिस्थिति में लिखी गई, तो आप परिस्थिति बताते नहीं, अपने मन का अर्थ करते। हमने कहा तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुलसीदास जी की पत्नी अगर तुलसीदास जी के लात का प्रहार नहीं करती तो वो रामायण नहीं लिखते। बोले पक्की बात, कंफर्म, अगर लात नहीं डालती पत्नी तो वो लिखते ही नहीं रामायण। हमने कहा तो लात ही मारने से रामायण लिखने का फार्मूला तैयार हुआ, ये तुम्हारी बुद्धि कब से चल गई। और मैंने कहा कि अगर लात पत्नी के लात मारने से तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो ऐसे भगवान बहुत सारे लोग आज भी समाज में हैं जो सवेरे सवेरे से 10-20 लातें रोज खाते रहते, वो भी एक आध ग्रंथ लिख देते तो हमें मान जाता कि ये बात सत्य है। क्या ये बुद्धि का दिवालियापन है तुम्हारा, समझते ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है माताओं,
नारी का तो सम्मान सुरक्षित किया गया है, क्योंकि महावृष्टि चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। नारी के जीवन की स्वतंत्रता खतरनाक है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हम ढोल गमार शूद्र पशु नारी, हमें शूद्र का पालन करना चाहिए और नारी को ताड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इनको ताड़ना बंद कर दिया ना, इनको देखना बंद कर दिया, इनको संरक्षण देना बंद कर दिया, तो वही स्थिति हो जाएगी, कौन सी, महावृष्टि चल फूट कियारी और जिम स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी। तो शूद्र के साथ सिद्धांत होगा पालयति और नारी के साथ सिद्धांत होगा ताड़यति, इसलिए हमारे तुलसीदास जी महाराज ने ये भाव व्यक्त किया। दूसरी बात और आपको सुना दें चलते चलाते जल्दी में, आप जानते हो कि हमारे यहां माताओं को विशेष संरक्षण दिया जाता है। जैसे संरक्षण में एक प्रमाण तो यह है कि जब भी नारी घर के अंदर रहती है तो किवाड़ बंद भले ही ना हो लेकिन पर्दा पड़ा रहता है, क्यों भाई, पड़ा रहता कि नहीं, और जब नारी दहरी के बाहर निकलती है तो कोई ना कोई परिवार का सदस्य संरक्षक बन के उसके साथ चलता है, ये व्यवस्था जुड़ी है। और तीसरी बात यह है कि नारी घूंघट मनी सिर को ढक के चलती है, ये मर्यादा है, इसका मतलब ये नहीं रूढ़ी परंपरा। अच्छा, हम लोग भी सिर को ढके हैं तो रूढ़ी है क्या, बोलो। जब गुरुद्वारे में वो आए थे हमारे, कौन आए थे, वो सिख मंगल सिंह जी, ज्ञानी 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 जी आए थे, तो उन वो तो इतना बड़ा साफा बांधे थे, और जब भी आप गुरुद्वारे में प्रवेश करोगे तो सिर पे कुछ रखना पड़ेगा, नहीं घुसने नहीं देंगे वो, समझ रहे हो कि नहीं। इसी प्रकार से जब भी आप यज्ञ मंडप में जो यज्ञ विद्वान जितने बैठे हैं सिर के ऊपर कुछ ना कुछ रख लेते हैं पूजन के समय में, ये परंपरा है। और पुराने समय में साफा बांधा जाता था और टोपी की परंपरा थी, टोपी की, लेकिन अब तो सब खत्म ही हो गया खेल, ना टोपी ना साफा। अच्छा, इनके सिर पर जरूर वस्त्र रहता था लेकिन अब उल्टा पल्लू, इधर से पहले इधर से अब इधर से, मानी पीछे सिर खुला। और परंपरा ये थी कि नारी का कभी भी केस खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बड़ी शिक्षाप्रद बात है, सुन लो ध्यान से, नारी का सिर खुला हुआ नहीं होना चाहिए था, नारी का बाल खुला हुआ नहीं होता है, नारी के केस हमेशा बंधे हुए होते हैं। और याद रखना, जिस दिन समाज में नारी का केस खुल जाता है उसी दिन महाभारत हो जाता है, उसी दिन महाभारत हो जाता है। नारी का सिर बंधा हुआ हो, जूड़ा बंधा हुआ होना चाहिए, लेकिन आज सिर खुला है, केस खुले हुए हैं, और उसमें भी नारी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चोटियां, चोटी रखे तो एक रखे, कृष्ण शीश जटा एक बेनी, एक चोटी, लेकिन अब दो दो चोटियां, और वो भी खुली चोटियां, और जब सड़क पर चलती हैं तो ऐसे चोटियां फहराती हैं जैसे लाल किले पर मनमोहन सिंह तिरंगा झंडा फहरा रहे हो, ये स्थिति है समाज में। इसलिए हमारी बात का तुम्हें बुरा थोड़ी देर के लिए लग जाएगा, खूब लग जाए, हम तो परसों चले ही जाएंगे यहां से, लेकिन हम बिना कहे चूकेंगे नहीं, भले 21वीं सदी का कोई भी धर्म हो, नर और नारी एक समान, लेकिन हम जरूर स्वस्थ परंपरा जो होगी उसको जरूर बताएंगे। और मानना ना मानना ये तुम्हारी बात है, तुम्हारी बात, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी भी खुला हुआ केस नहीं होना चाहिए, सिर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, मर्यादा, इसको मर्यादा कहते हैं। अब इसमें बुरा इसलिए नहीं मानना कि ये स्वतंत्र हैं, चाहे जब जावे चाहे जब आवे, हमारे लिए कमरे के अंदर रहे तो पर्दा पड़ा है, मकान के बाहर निकले, दहरी के बाहर निकले तो परिवार का कोई सदस्य साथ में चले, और जब भी कहा जाए घूंघट डालने के लिए कहा जाए तो इनको स्वतंत्रता इतनी ज्यादा क्यों है, क्या 21वीं सदी का यही धर्म है सबको समान रूप से आ जाना चाहिए। तो याद रखना माताओं, अगर तुम समान दर्जा की मांग करती हो तो तुम अपनी प्रतिष्ठा को गिरा रही हो, स्वयं में तुम अपनी प्रतिष्ठा को गिरा रही हो और प्रश्न चिन्ह एक लगा रही हो अपनी प्रतिष्ठा में। याद रखना माताओं, जो कीमती चीज होती है उसको संरक्षण दिया जाता, बोलो दिया जाता है कि नहीं। जैसे किसी के पास कोहिनूर हीरा हो, कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरे को ईमानदारी के साथ बताओ वो कहां रखेगा, फुटपाथ में रखेगा कि तिजोरी के अंदर रखेगा, बोलो तिजोरी के अंदर रखेगा कि नहीं, क्योंकि कोहिनूर हीरा है इसलिए उसको तिजोरी के अंदर सुरक्षित रखा जाएगा, और तिजोरी में भी रखा जाएगा तो एक अखरूट की डबिया में, फिर तिजोरी में, फिर तिजोरी पर ताला, फिर कमरे में ताला, फिर ताले पर ताला, क्योंकि कोहिनूर हीरा है उसकी सुरक्षा करना है। और आपने कभी भी देखा होगा किराना मर्चेंट की दुकान पर आप जाना, कल भुवनेश्वर के, भुवनेश्वर नहीं बलांगी, भुवनेश्वर तो बहुत दूर है, किराया लग जाएगा 200 रुपया फालतू,
बलांगीर के मार्केट में जाना, किराना मर्चेंट का दुकानदार जब दुकान खोलेगा तो याद रखना आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी, जब किराना मर्चेंट का दुकानदार दुकान खोलेगा तो जो काजू किशमिश के डिब्बे होते हैं ना उनको बिल्कुल शोपीस बना करके एकदम फ्रंट पर लगा देगा, बोलो लगाता ना फ्रंट पर, लेकिन जब दुकान बंद करता है तो वो काजू किशमिश के जो डिब्बे होते हैं जो फ्रंट पर लगे हैं उनको वो अंदर रख देता है, रख देता कि नहीं जब दुकान बंद करता, लेकिन एक एक कुंटल के नमक के बोरे अंदर रखता कि बाहर ही पड़े रहते, बाहर ही रहते ना, थप्पी पर थप्पी लगे, देखो मार्केट में नमक के बोरे कोई अंदर नहीं रखता। तो आपको बुरा इसलिए नहीं मानना है, जो कीमती चीज होती है उसको संरक्षण दिया जाता है। अब आप कहो कि ये सब स्वतंत्र क्यों है, तो तुम तो कीमती रत्न हो इसलिए तुम्हें पर्दे के अंदर रखा जाता, ये तो एक एक कुंटल के नमक के बोरे हैं, चाहे जहां पड़े रहे इन्हें कोई माई का लाल उठाने वाला नहीं है, चाहे जहां मैदान में पड़े रहे, इसलिए इनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तुम्हारे बारे में है सोचने की। इसलिए 21वीं सदी का ये भी एक धर्म है, नोट करो हमारी बात को। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, माताओं बहन बेटियों तुम्हारी इसलिए समाज में कीमत है, कौन जानता है नारी के गर्भ में कपिल कलानी जैसे विद्वान सो रहे हों, कौन जानता है नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे